दोस्तों, एनएमएमएस एग्जाम में यही पेपर आने वाला है, यही क्वेश्चन आपके एनएमएमएस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर आपको एनएमएमएस एग्जाम की एक प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन करवाए जाते हैं सभी सब्जेक्ट के। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको साइंस के क्लास 10 है जिसके अंदर हम एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं जो 100% सीधा आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपका एग्जाम 5 नवंबर या 19 नवंबर को है तो ये वीडियो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होने वाली है। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक मिलेगा, जिसके ऊपर क्लिक करके आप सभी वीडियो देख सकते हैं। 1 घंटे के अंदर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। इसकी 16 से 17 क्लासेज रहने वाली है जो मैं आपको आपके एग्जाम से पहले करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक बोलक छोर इकाइयों से बना होता है जिन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 1 प्राइमर, एकलक, द्विलक या त्रिलक, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एकलक। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से प्राकृतिक बहुलक कौन है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये सभी, यानी जूट एक प्राकृतिक बहुलक है, ऊन एक प्राकृतिक है, सिलक एक प्राकृतिक बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 3, जंतु रेशे का उदाहरण, जो रेशा जंतुओं से प्राप्त होता है उसका बताना है। क्या फ्लेक्स होता है, जूट होता है, रेशम होता है, कपास होता है? आप सभी जानते हैं कि कपास एक प्राकृतिक रेशा है और दोस्तों जो रेशम है वो जंतुओं से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो वीडियो पर बने रहना, जो बच्चा इस वीडियो को पूरा देखेगा, सही से समझेगा, सही से याद करेगा, वे ही इस एग्जाम को पास कर पाएगा और उसका नाम मेरिट लिस्ट में जरूर आएगा। और जल्द ही मैं ट्रिक्स एंड टिप्स के ऊपर वीडियो बताने वाला हूँ जिनको फॉलो कर आप आसानी से इस एग्जाम को पास कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन पादप स्रोत से प्राप्त नहीं होता? निम्न में से कौन पादप स्रोत से प्राप्त नहीं होता? तो यहाँ पे दिया है जूट, रबड़, कपास, ऊन। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऊन। क्वेश्चन नंबर 5, कपास के पौधे का वह भाग जिसे कपास के रेशे प्राप्त होते हैं वह है? तो दोस्तों, कपास के रेशे किससे प्राप्त होते हैं? कपास बोल से, बीज से, फूल से, जड़ से, किससे होते हैं? दोस्तों, जो बच्चा गांव में रहता है, एक विलेज में रहता है, वो आसानी से बता सकता है कि कपास के जो रेशे हैं उन्हें ए यानी कपास बोल से प्राप्त होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको संश्लेषित रेशे एंड प्लास्टिक इस टॉपिक में से एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ और पीछे मैंने ऑल टॉपिक आपको करवा दिए हैं जो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, जूट का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जड़, तना, फल, बीज, इनमें से किस भाग से प्राप्त होता है? इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संश्लेषित रेशों के लिए प्रमुख स्रोत कौन सा है? जंतु बसा, पेट्रो रसायन, यहाँ पे पादप से प्राप्त या उक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है सी, पेट्रो रसायन। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी या चिकनी मिट्टी? कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी मिट्टी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, रेओन का स्रोत है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लकड़ी की लुगदी। क्वेश्चन नंबर 10, कृत्रिम रेशा कहते हैं, किसे कहते हैं कृत्रिम रेशा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रेओन को कृत्रिम रेशा कहते हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किसे पॉलीएमाइड कहते हैं? पॉलीएमाइड, तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, पॉलीएमाइड। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नायलॉन। क्वेश्चन नंबर 12, डेक्रोन 1, तो दोस्तों डेक्रोन 1
पोलिस्टर है, डेक्रोन एक पोलिस्टर है। क्वेश्चन नंबर 13, गरम कपड़े बनाने के लिए ऊन की जगह पर किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्रिलिक। किसका उपयोग किया जाता है? एक्रिलिक, ऑप्शन नंबर सी एक्रिलिक का उपयोग किया जाता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, पैराशूट, रस्सियां, ब्रश आदि के निर्माण के लिए उपयुक्त बहुलक है, उपयुक्त बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नायलॉन। क्वेश्चन नंबर 15, वह द्रव जिससे प्राकृतिक रबड़ मिलता है वह क्या कहलाता है? फेलक्स, लेटेक्स, वल्कनीकृत रबड़, नायलॉन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेटेक्स। जिससे दोस्तों प्राकृतिक रबड़ मिलता है वह कौन सा द्रव है? लेटेक्स। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, रबड़ वृक्ष का वह भाग जिससे लेटेक्स प्राप्त होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तने की छाल से। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 17, संश्लेषित रबड़ का के उदाहरण है, संश्लेषित रबड़ के उदाहरण बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? ब्यूनाइस, ब्यूना एन या नियोप्रिन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 18, रबड़ के वल्कनीकरण के लिए उपयोगी तत्व। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सल्फर। क्वेश्चन नंबर 19, वल्कनीकृत रबड़ में सल्फर की मात्रा होती है लगभग 3 से 5%, 20 से 30%, 50 से 60% या 80 से 90%। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 से 5%। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, निम्न में से कौन वल्कनीकृत रबड़ का उपयोग नहीं है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खिलौने, चप्पल है, गुब्बारे है, बस्तर है, लेकिन ये नहीं है। दोस्तों अगर आप इनके मॉडल पेपर की क्लासेस लगाना चाहते हैं तो उनका दोस्तों एक नया चैनल बनाया है मैंने, उसके ऊपर आपको बेहे क्लासेस मिल जाएगी। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप उस चैनल पर जाकर उन मॉडल पेपर को लगा सकते हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में छपने वाले हैं।